राजेश बहुत अच्छे एक्टर हैं, और उनके साथ क्या था कि जब हम ऑफ कैमरा जब बातें करते थे तो उसी केमिस्ट्री को हम स्क्रीन के सामने भी लेके आए, कैमरे के सामने भी लेके आए, क्योंकि राजेश जो है बहुत मैनर्स वाला बंदा है और वही मैनर्स वो चाहिए थे वो नेगी के सामने, क्योंकि उसका असिस्टेंट है वो। तो पूरी पूरी फिल्म में हम दोनों की जो केमिस्ट्री ऐसी फेक नहीं लगेगी, बहुत रियल लगेगी, जैसे बहुत रियल है, क्योंकि वो चीज़ हमने ऑफ साइड भी जो है ऑफ कैमरा भी अपनाई थी। मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी आदतें हैं वो बड़ी पसंद आई थी, और दूसरा फिल्म का जो पेस है बहुत स्लो है क्योंकि गांव ही ऐसा है, स्लो पेस वाला है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई थी। दैट्स व्हाई आई सेड इट यस। मैं चाह रहा था कि इस तरह का कुछ काम हो, इस तरह का कैरेक्टर हो या इस तरह का फिल्म का इस तरह का पेस हो, तो ये मुझे ज़्यादा प्रभावित किया। सच कोई स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं की थी, बट हाँ वहाँ जाने के बाद रियलाइज हुआ कि क्योंकि इस गांव का जो पेस है वो थोड़ा स्लो है और उसी हिसाब से जो है हमें कैरेक्टर भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट ज़्यादा हुई थी।